और कोई मेकअप करो ना करो आई एम श्योर एवरी इंडियन गर्ल यूजेज अ काजल एवरी डे एम आई राइट और एम आई राइट तो एक काजल का अच्छा होना बहुत जरूरी है तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना करंट फेवरेट काजल शेयर करने वाली हूँ

तो so, mm -hmm. जो काजल हम आज के वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं वो है ये फ्लिका कॉस्मेटिक्स का कोल्ड स्टोरी आई काजल एंड मैंने इसकी पैकेजिंग संभाल के रखी थी आप लोगों को दिखाने के लिए सो so, ये एक कार्डबोर्ड में आता है एकदम मैट ब्लैक से इसकी पैकेजिंग है एंड कहीं कहीं पे ऐसे बेज एक्सेंस है दिस इज इन द शेड जीरो वन ब्लैक एंड दिस इज द काजल पेंसिल लुक्स लाइक इट लुक्स सो स्लीक एंड मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी लाइक लुक एट दिस मैट ब्लैक फिनिश इट इज सो गुड और ये डुअल एंडेड है गेस वाई एक साइड में तो इसमें काजल है बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ कोल्ड पेंसिल राइट

of kajals that come with a smudger not a lot of brands do this but Jobi karte, hai, i am definitely biased towards them so yes i love the packaging of this kajal if i talk about application ki baat karu, so it glides on like butter i don't need to apply pressure ki pad sak, pad and look at the pigmentation it is jet black you do not have to tug and pull to get the pigment out of this kajal that is the best thing that i like about this it glides on smoothly and टेस्ट करते हैं सबसे पहले इसको अपने आंखों पर अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसा है तो जैसे नॉर्मली हम अपने एवरीडे वॉटर लाइन में काजल लगाते हैं सबसे पहले इसको उस तरीके से लगा के देखते हैं कि वॉटर लाइन में कितने अच्छे से शो कर रहा है oh my God. I literally just touched the काजल दिस इज वाई आई लव दिस काजल मुझे सिर्फ ना ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करना पड़ता सिर्फ वन स्ट्रोक इसका पिगमेंट है जस्ट लुक एट दिस लिटरली वन स्ट्रोक पिगमेंट ओके सो यू जस्ट सो हाउ पिगमेंटेड दिस गॉड एंड जैसे कि मैंने बोला की स्मजर जो इसके साथ आता है ना उसके एडेड बेनिफिट है आई जस्ट शो यू हाउ अगर आपको ऐसे एकदम स्टार्क ब्लैक ऐसे लाइन नहीं पसंद है यू कैन स्मज इट आउट विद दिस एंड क्रिएट दैट ब्यूटिफुल स्मोकी इफेक्ट सो यू जस्ट हैव टू रब इट जेंटली एंड स्मज द काजल टू गिव इट अ स्मोकी एंड एंडफ्यूज लुक और इसको आप बाहर की तरफ फ्लिक करो टू क्रिएट दैट ब्यूटिफुल एंड शार्प विंग एंड इससे आपको मिल जाएगी एक रिवर्स कैट आई जिस लुक हाउ प्रिटी एंड हाउ क्लीन लिटरली मैंने आपको रियल टाइम में दिखाया विदाउट एनी कट्स हाउ इजी इट वॉज एक बेसिक काजल से एक ब्यूटिफुल रिवर्स कैट आई मैंने क्रिएट कर लिया है इसी तरीके से आप इस काजल के साथ बहुत सारे डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हो लाइक लिटरली अंडर अ मिनट यू विल गेट ब्यूटिफुल स्मोकी आई विथ जस्ट वन प्रोडक्ट आपको कोई एक्स्ट्रा ब्रशेज कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कैरी करने की जरूरत नहीं है यू कैन टेक योर लुक फ्रॉम एन बेसिक एवरी डे लुक टू अ ग्लैम नाइट लुक लाइक लुक हाउ ब्यूटिफुल माई आईज लुक एंड आई ओनली हैव अ काजल मस्कारा तक नहीं लगाया एंड दिस इज वॉट माई आई लुक लुक्स लाइक सो येस इफ यू लव अ स्मोकी आई दिस इज द वे टू गो एंड ऑल्सो आई हैव एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड ड्राई आईज क्योंकि मैं लेंस भी लगाती रहती हूँ तो मेरी आईज काफी ज्यादा अब सेंसिटिव हो चुकी है एंड दिस काजल मतलब मुझे फील भी नहीं हो रहा है कि मैंने अभी आंखों में काजर लगा रखा है इट डज नॉट फील हैवी एट ऑल इट डज नॉट फील इरिटेटिंग

ंग I mean, wow. मैं सुबह ऑफिस लगा के जाती हूँ शाम को घर आती हूँ एंड इवन इफ अदर थिंग्स अवे दिस काजल रियली इन टैक्ट एंड इसको रिमूव जब मैं करती हूँ प्रॉपर क्लेंजिंग बाम एंड ऑयल वाले माइसेल वॉटर से तभी ये रिमूव होता है इतनी आसानी से रिमूव नहीं होता सो इट इज अ डेफिनेट मस्ट मेकअप कुछ मेकअप में नहीं पसंद सिर्फ काजल पसंद है ना तो ये खरीद लो यू विलोस्क्रिप्शन so, में लिंक कर दूंगी डेफिनेटली चेक दिस वन आउट आई विल एनकरेज ऑल ऑफ यू टू हैव दिस काजल पेंसिल इन योर मेकअप बॉक्स एंड अगर आप इसे लेते हो तो डेफिनेटली मेरे को टैक करके अपने काजल लुक शेयर करना एंड अगर काजल से रिलेटेड कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स या नीचे कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताना ऑल्सो मुझे कॉमेंट करके नीचे बताओ इफ यू आर टीम काजल विदर आई एम इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड अगर आज का वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब मुझे बताना इफ यू वॉन्ट अदर प्रोडक्ट रिव्यूज और नॉट एंड आई शेल सी यू सुपर सुपर सीन इन माई नेक्स्ट इट स्टेफ स्टे हेल्दी बाय बाय